नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे MT4 में फ्री इंडिकेटर्स को यूज़ करने की। बहुत सारे लोग दोस्तों इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कुछ पेड और कुछ फ्री इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें आज की डेट में हम आपको कुछ प्रीमियम इंडिकेटर्स प्रोवाइड करेंगे, जो इंडिकेटर हालांकि हमारे पेड इंडिकेटर थे लेकिन अभी हमने उनको फ्री कैटेगरी में कर दिया है और कोई भी यूज़र जो हमारा डेटा फीड MT4 का यूज़ करता है वो इन इंडिकेटर्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से हमें फ्री इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, ऑटो बाय सेल सिग्नल किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो अभी हम चार्ट सभी लगाएंगे उसमें अपने आप बाय सेल के सिग्नल दिखाई देंगे, उन सिग्नल्स को देख के उन सिग्नल्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके की टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जाना है सबसे पहले दोस्तों MCX श्योर गेन की वेबसाइट पर, www.mcxshoregain.com टाइप करके एंटर करना है, ये वाली वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको डाउनलोड के पेज में जाना है। तो जब हम डाउनलोड के पेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर मिलेगा मेटा ट्रेडर 4। आपको मेटा ट्रेडर 4 के डाउनलोड नाउ वाला जहाँ सेक्शन है इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर MT4 हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ हमें सबसे लास्ट में जाना है, एक जगह लिखा है ABS फाइल्स, उस पर भी हमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर वो भी फाइल्स जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं। अब हम शो इन फोल्डर्स में जाएंगे और यहाँ पर ATM वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये एक सेटअप फाइल ओपन होगी और उस सेटअप फाइल में हमें यहाँ पर सबसे पहले यस पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद ये फाइल्स जो हैं डाउनलोड हो जाएंगी और डाउनलोड होके यहाँ पर फिनिश का बटन एक नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए फिनिश का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी सॉफ्टवेयर अभी ओपन होगा, अपने आप खुलेगा। इससे पहले दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन होता है हम ये फ्री वाली फाइल को भी इसको राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, और राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट टू फ्री वाला कर सकते हैं हम। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल नहीं है, विनरार एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे जिप फाइलों को अनजिप करता है, अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर की साइड ये विनरार मिलेगा, इसे डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को रन कर लेना। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो उसके बाद ये जो ओपन ये फाइल वाला फ्री वाला जो फोल्डर है ये उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, तो उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इंस्टॉलेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्री वाला जो फोल्डर था हमारा वो भी यहाँ पर आ गया था, और अब जब हम शो इन फोल्डर करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ये फ्री के नाम से आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं कॉपी और इसको अपने डेस्कटॉप पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपने डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे को इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है इंडिकेटर्स और टेम्पलेट्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, टेम्पलेट्स को कॉपी करना है। ये सारी टेम्पलेट्स को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी हो जाता है। उसके बाद हमें अपने MT4 में जाना है, फाइल का बटन दबाना है, ओपन डेटा फोल्डर का बटन दबाना है और उसके बाद हमें MQL4 का बटन दबाना है। सॉरी, यहाँ पर जो डेटा फोल्डर का फोल्डर आएगा इसी में टेम्पलेट्स का आता ही है, इसमें हमें राइट क्लिक करके इनको पेस्ट कर देना है। अब ये दोस्तों मैंने सारी टेम्पलेट्स जो थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं, 6 की 6 टेम्पलेट्स यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 6 की 6 टेम्पलेट्स यहाँ पे पेस्ट हो गई, मैंने इनको रिप्लेस भी कर दिया। तो ये तो था टेम्पलेट को पेस्ट करने का। अब इसके बाद हमें जाना है दोबारा से इस फोल्डर में और यहाँ पर हमें मिलेंगे इंडिकेटर्स, हमें इंडिकेटर्स को डबल क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है सबको सिलेक्ट ऑल करके। कॉपी करने के बाद हमें फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL4 में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देने सारे के सारे इंडिकेटर। जैसे हम इंडिकेटर पेस्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा जो टेम्पलेट है वो सेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों कि MT4 को लॉगिन कैसे करना है कि आपको डेटा फीड मिले, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा
और यहाँ हमारी वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म मिलेगा सर्विसेज में जाके। सबसे पहला ये है मेटा ट्रेडर डेटा फीड, MT4 डेटा फीड वाले पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उस पेज में एक फॉर्म आ रहा होगा, नीचे सबसे नीचे उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा तो आपको MT4 डेटा फीड की डिटेल आपकी मेल पे आ जाएंगी या फिर हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो जब आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पे जाना है फाइल में, और यहाँ पर लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है, और यहाँ पर अपनी आईडी जो हमें मिलेगी और वो पासवर्ड मिलेगा, सर्वर में टॉपिक मार्केट डेमो रखना है करके लॉग इन कर देना है। सबसे नीचे स्टेटस में अगर दो जो बार से ऊपर वाली ग्रीन और नीचे वाली रेड हैं तो समझ लो कि आपका कनेक्शन आ गया है। उसके बाद आप कोई भी चार्ट यहाँ पे लगा के उसमें इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चार्ट में यहाँ पे आपको चार्ट खोलना है। कोई भी चार्ट कैसे खोलेंगे आप, सीधा सीधा आप चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो पे जाएंगे, ऐसे चार्ट खुल जाता है। ये ऊपर टाइम फ्रेम दिया है, कोई भी टाइम फ्रेम आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया। अब ये ACC का चार्ट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हमें कोई भी अपनी टेम्पलेट लगानी है तो हम राइट क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पर, MSG गैन की टेम्पलेट है, फिबोनाकी का टेम्पलेट है, टेक्स सिग्नल का टेम्पलेट है, रेंज ब्रेकआउट का है, स्पार्क्स का है, और ट्रेंड मास्टर स्ट्रेटजी है एक। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हम फ्री इंडिकेटर्स और फ्री टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि छह कौन सी टेम्पलेट्स हैं और उन टेम्पलेट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, और जो लोग नए हैं नए आए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।